हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपी टेट 2018 का जो प्राइमरी लेवल का जो पेपर हुआ है उसका जो इंग्लिश का जो इंग्लिश जो है आई जो है आपकी जो पार्ट थ्री में आई है और मॉर्निंग शिफ्ट में आई है उसको हम थोड़ा सा क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मीन्स हम आपको यहाँ पे आंसर की एक तरीके से बता रहे हैं, ठीक है? तो जो स्टूडेंट्स जिनको अपने आंसर्स पता करने हैं कि इंग्लिश में उनके कौन से ऑप्शंस करेक्ट हुए हैं या नहीं, तो आप इसके थ्रू आप पता कर सकते हैं, ठीक है? जैसे आपका पहला क्वेश्चन आया था यहाँ पे, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पोइट्री, ठीक है, रेसिटेशन इन ए लैंग्वेज क्लासरूम। तो इसका जो ऑप्शन था थ्री वो आपका यहाँ पे करेक्ट था। इसका ऑप्शन थ्री क्या था? टू एंजॉय एंड अप्रिशिएट द पोयम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया आपका, क्वेश्चन 62, वो क्या था आपका? फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था आपका, यस्टरडे आई सा, जो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट जो ऑप्शन है वहां पे ए, यूरोपियन राइडिंग ऑन एन एलिफेंट, ये आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। सेकंड जो है आपका 63, उसमें क्या है आपका? चूज द करेक्ट सेंटेंस। सेंटेंस यहाँ पे हमें करेक्ट चूज करना है। यहाँ फोर सेंटेंस दिए हुए हैं हमारे, इसमें से आपका जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे, प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट आया आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन, ठीक है? तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन था, यहाँ पे ए, प्रिजनर वाज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, यहाँ पे जो आप आंसर आना है आपको ऑफ आएगा, फिल इन द ब्लैंक में भरा जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 64 के लिए, ऑप्शन टू जो है आपका यहाँ पे करेक्ट है, जो है आपका ऑफ। नेक्स्ट वन आता है आपका, द एंटोनिम ऑफ इनोसेंट इज, द ऑप्शन आपका यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें से जो ऑप्शन आपका फोर्थ है वो यहाँ पे करेक्ट है, जो है आपका गिल्टी। नेक्स्ट वन इज द सिनोनिम ऑफ सिग्निफिकेंट इज, जो ऑप्शन आगे यहाँ चार ऑप्शन दिए हुए थे, इसमें से जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो है आपका इंपॉर्टेंट, दिस वन इज करेक्ट। देन 67 पे आ जाते हैं हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी मेड प्लुरल प्लुरल बाई एडिंग ए सफिक्स ई एन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका है फोर्थ, ठीक है, ऑक्स, वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाओ आप, क्वेश्चन नंबर 68, चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है, दिस ड्रेस इज फिल इन द ब्लैंक एंड दैट वन इज माइन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका करेक्ट वो है आपका योर्स। नेक्स्ट वन इज चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हैव द गर्ल्स आस्क दिस क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका थ्री, जो ऑप्शन है आपका थर्ड ऑप्शन वो करेक्ट है। यहाँ पे क्या हैज दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड बाय द गर्ल्स। नेक्स्ट डायरेक्शन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आपको सीधा सीधा आंसर बता रहा हूँ। ये आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, इसके जो आपको ये पैराग्राफ गिवन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर्स हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, विच काइंड ऑफ नाउन इज, ठीक है, गंगापुर। तो यहाँ पे ये है एक तरीके का प्रॉपर नाउन, तो ऑप्शन फोर करेक्ट है। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड ब्रेव। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपका जो ऑप्शन वन है एडजेक्टिव वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वन है आपका क्वेश्चन 72, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ए मटेरियल नाउन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन थ्री है आपका गोल्ड, वो आपका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ चार ऑप्शन दिए हुए, मेरे हिसाब से यहाँ पे जो ऑप्शन होना चाहिए वो कनेक्शन है, बट हाँ दिस टाइम आई एम नॉट 100% श्योर, ठीक है, ये 100% नहीं कह सकता मैं, बट हाँ मेरे हिसाब से होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज 74, यहाँ पे भी पूरी तरीके से मैं कंफर्म नहीं हूँ अभी फिलहाल, विच काइंड ऑफ नाउन इज एड, ठीक है, एडवर्सिटी। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ये, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होना चाहिए। इन दोनों क्वेश्चन में 73 एंड 74 ये बहुत प्रॉपर, हम 100% यहाँ पे कंफर्म नहीं है, डाउट है थोड़ा सा। नेक्स्ट वन इज 75, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ड हार्ड इन द सेंटेंस ही इज वर्किंग हार्ड। तो ये जो ऑप्शन आपका टू है वो आपका करेक्ट है, एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब। नेक्स्ट 76, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए कंजक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन वन आपका करेक्ट है, सी इज पुअर बट शी इज बाई नेचर हॉस्पिटेबल। नेक्स्ट आता है आपका 77, पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन फोर है वो आपका करेक्ट है, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। नेक्स्ट है आपका 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिसपेल्ड वर्ड। तो इसमें ऑप्शन जो टू है वो आपका करेक्ट है, डेसिकेशन जो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ गया आपका 79,
विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए ट्रांसिटिव वर्ब, तो यहाँ पे ऑप्शन टू आपका सही है, शी वॉक्स इन द मॉर्निंग डेली। नेक्स्ट आता है आपका 80 जो क्वेश्चन था वो विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नेगेटिव, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका एकदम करेक्ट वो है ही डज नॉट लिसन टू मी, ये आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आ जाइए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज, ठीक है, एक्सक्लामेटरी, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो आपको मिलता है टू, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, तो ये आपको जो ऑप्शन टू है यहाँ पे एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाइए अब 82 पे क्वेश्चन पे, पॉइंट आउट द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो ऑप्शन जो यहाँ पे फोर्थ है, वन हु डज नॉट लव वंस कंट्री इज ए रेस्ट पर्सन, ओके तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। ऑप्शन अब आता है क्वेश्चन 83 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल, तो यहाँ पे ऑप्शन फोर जो है आपका एकदम करेक्ट है, माइस। नेक्स्ट आ जाइए अब क्वेश्चन 84 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज रिगार्डेड एज सिंगुलर, तो यहाँ पे ऑप्शन थ्री आपका मैथमेटिक्स एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाइए आप 85 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ए एक्टिव वॉइस, ऑप्शन वन यहाँ पे रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन टाइम, ये एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाइए आप 86 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ए पैसिव वॉइस, यहाँ पे ऑप्शन वन आपका ही है, ही वॉज असिस्टेड बाई ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाइए आप 87 पे, दैट इज द मैन द वॉइस द पुलिस वॉज सीकिंग, तो यहाँ पे इन द एवर सेंटेंस वट इज द स्टेटस ऑफ द टू डज, तो यहाँ पे ऑप्शन वन जो है मेरे हिसाब से ठीक है, कंजक्शन यहाँ पे सही है, पर मैं 100% श्योर यहाँ पे इस पॉइंट पे नहीं हूँ। नेक्स्ट आ जाइए अब 88, दीज स्टूडेंट्स आर मोस्ट, ठीक है, डिसोबीडेंट, इन द एवर सेंटेंस पॉइंट आउट द जेंडर ऑफ द वर्ड स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कॉमन जेंडर आपका एकदम करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन जो सॉरी यहाँ पे थर्ड जो ऑप्शन है। नेक्स्ट 89, इन द सेंटेंस ही वॉज गोइंग अलोन द रीड पॉइंट आउट द टेंस, तो यहाँ पे ऑप्शन वन आपका पास्ट कंटिन्यूअस एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाइए आप, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका लिसनिंग वो एकदम करेक्ट आंसर है। तो आपके ये 90th क्वेश्चन था और मेरे हिसाब से आपको पता चल गया होगा कि आपके कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं। ठीक है, थैंक यू।